आज आपके पास है मॉडल ऑप्शंस, किलोमीटर एंड प्राइस, मतलब ये सारी चीजों के आपके पास ऑप्शन है। आज ये नहीं कह सकते कि आप सेम कलर की गाड़ियां लाए हैं, तो हर तरह के ऑप्शन है। जैसे कि आपके पास चूज करने के लिए हम चाहते हैं कि ऑप्शंस रहें, इफ यू आर बाइंग अ यूज्ड कार, इवन आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। अब आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर जैसे हम नॉर्मली बात करें, हम ड्राइव कर रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीज है, बट ये प्रोवाइड जो करता है सिर्फ और सिर्फ जैगुआर लैंड रोवर रेंज रोवर ही करता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन तीन जैगुआर एक्सेल अवेलेबल है, और मुझे तो यकीन ये हो रहा है कि हो सकता है पाइपलाइन में दो चार और हो। तो ये देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो अब इसके अंदर जब बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई सुकून है, अगर कहीं तो लग रहा है जैगुआर एक्सेल के अंदर ही है सुकून, मुझे तो ऐसा लगता है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि जैगुआर अपने साथ है, की मेरे पास है, देख ही सकते हैं। आज जो बात हम करने वाले हैं जैगुआर की, उस गाड़ी की बात करेंगे जो गाड़ी होती है मोस्ट कंफर्टेबल कार ऑफ जैगुआर, जिसे हम कहते हैं XJL। एक नहीं दो नहीं तीन दिखाएंगे, और दिखाएंगे कहाँ की, वो कहते हो ना कि जब भी आप ब्रांड का नाम लेते हो तो एक ही नाम आता है। तो आज हम लोग हैं ऑटो बेस्ट इंपीरियो पे, और ऑटो बेस्ट से आज हमारे साथ जुड़ेंगे द वन एंड ओनली मन फ्रॉम ऑटो बेस्ट इम्पीरियो। आप बताओ ना, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। बड़े दिन बाद आए, लोगों को ये डर सता रहा था कि क्या अब आने वाले नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि आपको प्रॉमिस कर रहा था, कहकर भी गया था मैं कि कहीं नहीं जा रहे हम यहीं हैं। बहुत बढ़िया। तो आज क्या चलेगा ये बताओ? आज जो आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे कि हमारी स्पेशलिटी जैगुआर की हम गाड़ियां लाए हैं, जो कि हैं जैगुआर XJL, जो कि लॉन्गेस्ट सेडान होती है। जैसे कि आपको पता है XJL जो होती है हम कंपेयर करते हैं मर्सिडीज एस क्लास से, 7 सीरीज से, तो ये भी वही गाड़ियां हैं। तीनों आप देख रहे हो XJL हमको मिल रही हैं, एंड परफेक्ट इनकी कंडीशन है। बात करें किलोमीटर्स की, कोई ज्यादा किलोमीटर्स नहीं है गाड़ियों के। मैं आपको भी पूरी डिटेल गाड़ियों की बताऊंगा, उससे पहले कि आपको बता दूं सारी इंटैक्ट कंडीशन में है, कहीं किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। तीनों ही पोर्टफोलियो वेरिएंट है। अच्छा, तीनों ही पोर्टफोलियो जी। और साल अभी मैं आपको एक एक करके गाड़ी के बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट कार की। तो ये वाली आप जो गाड़ी देख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कंडीशन की किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाड़ी में एक एक चीज परफेक्ट है। बात करी जाए मैकेनिकल वर्क की, बात करी जाए एक्सटीरियर की, बात करी जाए इंटीरियर की, किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी जो है दिस इज 2017 पोर्टफोलियो 3 लीटर डीजल इंजन कार, मतलब पावर तो इतनी ज्यादा अमेजिंग होती है कि आप एक बार ड्राइव करोगे तो शायद आप भूल जाओगे। बहुत लंबी है कार, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग व्हील बेस। अगर हम एस क्लास से भी कंपेयर करते हैं, एस क्लास की भी लेंथ ऑलमोस्ट इतनी होती है, इससे ज्यादा होती है, एंड 7 सीरीज भी अप्रॉक्सिमेटली इतनी होती है, क्योंकि इसमें पीछे प्रॉपर आपको स्पेस मिलता है, फीचर्स पूरी लोडेड गाड़ी होती है, एक एक चीज आपको मिलती है। एंड जैगुआर इज द कार जो कि आप सेल्फ ड्राइव भी कर सकते हो, आप शॉफर के साथ भी जा सकते हो, एंड ड्राइव करने में जैसे कि मैंने आपको बताया इट्स अमेजिंग। कंडीशन आपने बताया इस गाड़ी की, इस गाड़ी में कोई भी लोडिंग है क्या? आफ्टर मार्केट लोडिंग कुछ भी नहीं है, जो सारी लोडिंग है वो कंपनी से आती है, मतलब जो फीचर्स है, मैं लोडिंग से बात करूँ, फीचर्स की बात करूँ, जो गाड़ी में मिल रहे हैं बाय डिफॉल्ट। अब पीछे से ना, मुझे तो भाई सही बताऊँ XJL पीछे से ही बहुत बढ़िया लगती है। जो इसकी लाइट है ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव है, और बहुत ही ज्यादा यूनिक है, मतलब किसी भी ऑर्डिनरी कार से या पूरी बूट को कवर करती है ये लाइट, बम्पर से लेके बूट तक कवर होती है, एंड बहुत अमेजिंग इसके डीआरएल्स हैं जो कि दूर से आपको अट्रैक्ट करते हैं गाड़ी की तरफ। फीचर की बात करें, क्या क्या पैनोरामिक रूफ मिल जाता है? पैनोरामिक रूफ बिल्कुल मिलती है। सबसे पहले आपको सेडान्स में एक बहुत अच्छा फीचर, मतलब रेयरली मिलता है, जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट का। हर गाड़ी में आपको नहीं मिलता है सेडान में, बट इसमें हमें मिलता है, जैसे कि BMW 7 सीरीज में भी हमें फीचर मिलता है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इसको रिमोट से ओपन करके हमारे व्यूअर्स को दिखाओ।
ये देखो इलेक्ट्रॉनिक बूट है और बूट में जैसे सामान ही बड़ा हो तो काफ़ी स्पेशियस भी बूट है, तो यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरी कार की तरफ, तो ये भी पोर्टफोलियो है और ये भी पोर्टफोलियो है। अब बात करते हैं इसकी कलर ऑप्शंस, आज आपके पास है मॉडल ऑप्शंस, किलोमीटर एंड प्राइस, मतलब ये सारी चीज़ों के आपके पास ऑप्शन है। आज ये नहीं कह सकते कि आप सेम कलर की गाड़ियाँ लाएँ, तो हर तरह के ऑप्शन है। जैसे कि आपके पास चूज करने के लिए हम चाहते हैं कि ऑप्शन रहें, इफ़ यू आर बाइंग अ यूज्ड कार इवन आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। सॉफ्ट क्लोज डोर मिलते हैं जिसके अंदर, और पीछे जो सीट्स हैं वो मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स होती हैं। बिल्कुल, इस गाड़ी में क्या मतलब, मैं अगर सारी गाड़ियों की सारी एक्सेल की बात करूं, इट विल नॉट फील लाइक यू आर बाइंग अ सेकंड हैंड कार, क्योंकि कंडीशन आप अंदर से अगर देखोगे, एक बार हम प्रॉपर अंदर से सीट्स दिखाएंगे, right. तो इतनी ज्यादा परफेक्ट कंडीशन में है कि जैसे कभी यूज नहीं हुई है। हालांकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी भी टेप जो है वो लगी हुई है इसमें, तो बिल्कुल ही लेस यूज है। अगर बात करें इस गाड़ी के किलोमीटर की, तो कितने किलोमीटर चल रही होगी ये वाली गाड़ी है? दिस हैज डन ओनली 14,000 किलोमीटर। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक की, तो आप इसे देख सकते हैं एक बार फ्रंट से कैसी लगती है कार। इसके अंदर जैगवार के एलईडी टेक्नोलॉजी हेडलैम्प्स दिखते हैं आपको, काफी मतलब सुंदर। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में क्या कहोगे? है वैसे ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस, काफी अच्छी है गाड़ी की, मतलब आपको कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप इंडियन रोड्स पे चला रहे हैं आपकी गाड़ी हर जगह लग रही है, इवन की स्पीड ब्रेकर्स भी इजीली क्रॉस करेगी। और भाई पैसे तो सीधी बात है, पैसे तो जैगवार के ही है। वो कहते हैं कुड़ी कहती पहले जैगवार ले लो फिर जितना मर्जी व्यापार ले लो। अब बात करते हैं इसकी, दैट वॉज अ जोक गाइस, ब्लू कलर की जैगवार है। अब इसके अंदर बैठ के हम आपको पूरे फीचर समझाने, क्योंकि जैसी बात है कि तीनों सेम है, तो एक गाड़ी में बैठेंगे तो आपको सारे फीचर सेम ही मिलते हैं। तो इसे एक बार स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले इसकी पीछे वाली सीट एक्सप्लोर करेंगे, इतने आप चेक कर लो कंडीशन गाड़ी की कि कैसी है इसकी गाड़ी की कंडीशन। आप देखोगे अलॉय व्हील्स देखोगे, स्टॉक है तीनों के एक जैसे अलॉय व्हील्स हैं। साइड प्रोफाइल देख लो, पर भाई गर्मी बहुत है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बह रहे हैं हम लिटरली पसीने में। टेल लाइट देख लो, वही बिल्कुल एज इट इज सेम, मतलब पीछे से अगर आप देखो फर्क ही नहीं पता पाओगे आप, बस कलर का फर्क आपको दिखेगा। अब इसके अंदर पीछे बैठते हैं, आओ मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। तो गाड़ी स्टार्ट भी है, तो ये देख लीजिए अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो अब इसके अंदर जब बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई सुकून है, अगर कहीं तो लग रहा है जैगवार XJL के अंदर ही है सुकून, मुझे तो ऐसा लगता है। ये आपको मैंने बताया था इट इज अ शॉफर्स ड्रिवन कार एज वेल, तो अब आपको पीछे दिखाता हूँ मैं क्या क्या मिलता है उसमें। सबसे पहले आपको मिलता है रेयर एंटरटेनमेंट, जो कि आप स्क्रीन्स ऑन कर सकते हो। नॉर्मली स्क्रीन्स आपको मिलती है लगी हुई मिलती है, बट इसमें ऑप्शन आप इसको अंदर बंद भी कर सकते हो, ये अच्छा है। इसके साथ साथ नीचे मिलता है ट्रे टेबल्स का ऑप्शन, जिसमें आप अपना काम करना चाहते हैं आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं। इफ यू आर ईटिंग एनीथिंग यू कैन यूज दिस, राइट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर हमें मिलता है ऑप्शन जिससे हम सीट एडजस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर रिक्लाइनर सीट इसको बना सकते हैं। चारों सीट्स में आपको मसाज मिलता है, एंड सिर्फ यही नहीं, आगे वाली एक सीट से ही चारों सीट्स का कंट्रोल हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर हमें सनरूफ जो ओपन करनी है, जो कर्टन ऑफ करना है, इसका भी ऑप्शन है जो कि दिया हुआ है यहाँ पर। ये बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। ये आपका एक क्लिक में कर्टन, एक क्लिक में आपका पीछे वाला जो रेयर कर्टन है ये भी ऑन हो जाए। रीडिंग लाइट्स भी आ रहा है जी, इसको खोल देते हैं ताकि थोड़ी रोशनी आए। बिल्कुल, बाकी और कुछ बढ़ते हैं फीचर की तरफ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें मिलते हैं कप होल्डर्स, यहाँ एक बेसिक आर्मरेस्ट स्पेस मिलता है जिसमें आप पोर्ट्स लगा सकते हैं। HDMI केबल का भी ऑप्शन है, USB पोर्ट्स का भी ऑप्शन है। इसमें फ्रिज होना चाहिए था, लेकिन फ्रिज होना चाहिए था बट नहीं है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी है उस लायक। आप फीचर देखना, जिस टाइम गाड़ी में मसाज बिल्कुल ऑन है इस टाइम गाड़ी में, एक एक चीज जैगुआर लैंड रोवर जो होता है प्रीमियमनेस से बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। तो आप देखोगे अगर एक एक चीज पे फोकस करोगे ना, जो ये मटेरियल है कंटारा, जो इसकी रूफ मटेरियल है, पिलर मटेरियल है, प्लस इसके साथ साथ डोर पे जो ये वुडन फिनिश दिया हुआ है जिसमें मेरिन की बैजिंग जो है, एक मतलब सोने पे सुहागा हो गया। तो ये तो रही कुछ पीछे से बात, अब ऐसा नहीं है कि पीछे ही सारा कंफर्ट कंपनी ने दे दिया, आगे जो को पैसेंजर होंगे और जो ड्राइवर होंगे अगर गाड़ी को जो भी चला रहा होगा उसके लिए भी काफी कंफर्टेबल सीट्स बनाई हुई हैं, जो हम आपको दिखाते हैं इस गाड़ी में आगे बैठ के। तो अब हम लोग जरा इसकी ड्राइव भी ले रहे हैं, कितने लीटर इंजन है ये भी पता करेंगे और देखेंगे कि कैसी चलती है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है इसके अंदर जैगवार के अंदर, ये जो चीज देखे मतलब डोर से लेकर डैशबोर्ड तक ना, एक ऐसा लगता है कि कॉकपिट सा बन गया है। अब आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर जैसे हम नॉर्मली बात करें, हम ड्राइव कर रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीज है, बट ये प्रोवाइड जो करता है सिर्फ और सिर्फ जैगवार लैंड रोवर रेंज रोवर ही करता है, जो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है। ये एक अलग रोबस्ट कार लगती है जब आप ऐसे चलते हो ना, तो इट गिव्स अ टोटली डिफरेंट फील। किसी भी नॉर्मली गाड़ी में आप देखोगे इतना स्पेस यहाँ पे आपको हाथ रखने के लिए, इनफैक्ट रेंज रोवर स्पोर्ट में भी अपने को बिल्कुल मिलता है। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज होती है ये, मतलब पर्टिकुलरली जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए या जो आगे बैठा है उनको ये चीज ज्यादा फील होती है। दिस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। यहाँ पर आप देखोगे हमें यहाँ पे गियर का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि एक गियर नॉब होती है इसकी जो बाहर आती है ऑटोमेटिकली जब आप स्टार्ट करते हो, राइट। पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड स्पोर्ट्स मोड यहीं पर हमें गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे हमें स्टेयरिंग मिलता है, यहाँ पर जो स्टेयरिंग है आपका हीटेड स्टेयरिंग है, आप इसको हीट कर सकते हो इन केस ठंड ज्यादा है तो। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं, राइट साइड पे आपको मीटर कंट्रोल्स मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम कंट्रोलर्स एंड ऑल मिल रहे हैं। डिजिटल ऑडोमीटर मिलता है पूरा इसमें हमें, जो कि सारा डिजिटल व्यू आता है। प्लस यहाँ पर हम बात करें स्क्रीन की, इट्स टच स्क्रीन, ओके ओके। एंड यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस रिवर्स करिए,
तो ये देख लीजिए, रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। देन ये गाड़ी जो चली हुई है वो चली हुई है 26,981 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड, और टॉप स्पीड जो इसकी डिजिटल मीटर पे मुझे दिख रही है वो है 300। बिल्कुल। तो भागने में कैसी है, थोड़ा सा एक बार राउंड एक बार चला लेते हैं एक बार। उससे पहले थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। ये मैंने आपकी सीट सेलेक्ट करी, मसाज ऑन। अच्छा, इस मामले में तो ये है गाड़ी वैसे, ये नो डाउट। ये आपका मैंने कूल ऑन कर दिया भाई, फील ही फील आ रहा है, मैं क्या ही बताऊं। इस टाइम पे जो टेम्परेचर है और जो व्यवस्था है ना गर्मी की, उस हिसाब से तो ये बिल्कुल जन्नत जैसा फील दे रही है इस टाइम गाड़ी। चारों सीट में मसाज है, वेंटिलेशन आपको दिखता है, और तो ये पावर भी अच्छी है। फील देख लिया जो पावर ड्राइव में था इसकी, अच्छा थ्रॉटल था। सो दिस इज अ 3000 cc इंजन कार एंड जैगुआर अमेजिंग ड्राइव देता है जैगुआर XL में। कई लोगों को ये कहते हैं कि जैगुआर की ड्राइव नहीं होती, ऑब्वियसली बात है हर गाड़ी एक जैसी नहीं होती। आप अगर इसको BMW से कंपेयर करेंगे तो एनी डे BMW ऊपर होती है ड्राइव में, क्योंकि उसकी पिकअप एंड ऑल टोटली डिफरेंट होती है। बट अगर हम नॉर्मली भी इसकी पिकअप की या ड्राइव की बात करें तो आपको ये फील दिखी रहा। अरे बाप रे बाप, कितना गया कितना गया। हाँ भागती तो है भाई ये, भागती है ये तो, भाग रही है। 85 क्रॉस कर गए थे, 85 और काफ़ी अच्छी। ये तो देखो सेडान गाड़ी, तो ऑब्वियसली बात है जो एरोडायनेमिक्स होते हैं सेडान कार के, वो जब रोड पे चलती है जो हवा को जिस तरीके से ये गाड़ी चीरेगी, SUV नहीं चीरती। तो इसकी स्पीड एंड सस्पेंशन आर वेरी स्मूथ इन दिस, मतलब आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि आप किसी बम्पी रोड पे भी हो तो आपको ऐसा फील होगा कि कुछ जर्क आ रहा है। लेकिन मेरे भाई ये बड़ी गाड़ी तो बिल्कुल है, इट इज अ लॉन्ग व्हील बेस। हाँ, ये मतलब आप ये ना सोचे कि आप इसे ऐसी मोड़ लोगे और ऐसी छोटी जगह से मुड़ जाएगी, स्पेस लेती है गाड़ी जी बिल्कुल। लेकिन जिसके पास स्पेस है ना इसको लेके रखने का, उसके लिए तो फिर ये राजा की सवारी है। ऐसे नीस पे वो बना हुआ जैगुआर, ये किंग है, किंग मशीन है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन तीन जैगुआर XL अवेलेबल है, और मुझे तो यकीन ये हो रहा है कि हो सकता है पाइपलाइन में दो चार और हो, क्या कहते हैं? बिल्कुल हो सकता है, ये बात मैं भी नहीं कह सकता कि हो या ना, यू नेवर नो। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अभी की बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर गाड़ी में ऑप्शन। आप बात करो मर्सिडीज ई क्लास की, वी आर हैविंग 5 ऑप्शंस। आप बात करो डिस्कवरी की लैंड रोवर, तो हमारे पास 8 ऑप्शंस है। आप बात करो मिनी कूपर्स की, 2-3 ऑप्शंस वी आर हैविंग राइट नाउ। एंड BMW 5 सीरीज वी आर हैविंग 7-8 ऑप्शंस। मतलब हर गाड़ी में ऑलमोस्ट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 3 सीरीज में 2 ऑप्शंस हैं, 7 सीरीज में ऑप्शन है। तो आप ऐसे क्यों नहीं कर देते फिर शोरूम के नाम के, मतलब ऑटो वेस्ट इंपीरियो BMW, ऑटो वेस्ट इंपीरियो ऑडी, मर्सिडीज, ऑटो वेस्ट इंपीरियो अकेला काफी है, सबको पता ऑब्वियसली कि सारे ब्रांड्स भाई अंडर वन रूफ होते हैं। बहुत बढ़िया, तो भाई अंडर वन रूफ आपको मिल जाती हैं सारी गाड़ियां। और अब हम देखते हैं कि इन तीनों का क्या प्राइस है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं ड्राइव से, अब बात करते हैं इसकी डिटेल की, क्योंकि इसकी टेस्ट ड्राइव पे गए थे। बाकी तीनों बिल्कुल सेम है दोस्तों, पिक एनी बाय एनी एट ऑटो बेस्ट इंपीरियो रजौरी गार्डन। शुरुआत से शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करें हमारी जो ब्लू ब्यूटी है इसकी, दिस इज 2016 मॉडल, पोर्टफोलियो वेरियंट है, 3000 cc इंजन है इसका, डीजल वेरियंट है, एंड गाड़ी जो चली है वो है 26,000 किलोमीटर्स, एंड वी आर आस्किंग 52,75,000 फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं व्हाइट कार की, ये भी सेम है, पोर्टफोलियो वेरिएंट, 3000 cc इंजन है, गाड़ी जो है 2017 मॉडल है, वो वाली जो गाड़ी थी 16 थी, दिस इज 17, एंड गाड़ी जो ड्रिवन है वो है 44,000 किलोमीटर्स, पोर्टफोलियो वेरिएंट, एंड वी आर आस्किंग 57,75,000 फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये वाली जो है ये मेरे को अच्छा कलर लग रहा है, मेरा तो फेवरेट कलर यही हो गया। सो दिस इज अ टोटली डिफरेंट कलर, जो बाकी हमने कलर देखे वो आपने कलर फिर देखे होंगे, ये थोड़ा सा अलग कलर है। एंड ये वाली जो गाड़ी है दिस इज 16 मैन्युफैक्चरिंग, 17 रजिस्टर्ड, एंड दिस हैज डन ओनली एंड ओनली 14,000 किलोमीटर्स, एंड वी आर आस्किंग 55,75,000 फॉर दिस। ठीक है, तो तीनों ही गाड़ियां जो है नियर बाय ही प्राइस की हैं, और तीनों गाड़ियों की कंडीशन बिल्कुल सेम है, बस किलोमीटर्स का फर्क है, किलोमीटर्स एंड ईयर का डिफरेंस। और बाकी इसके अलावा भी आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, अगर आपको कोई और प्रीमियम गाड़ियाँ बाय करनी है कोई और ब्रांड की, तो वो भी अवेलेबल होता है मल्टी ब्रांड शोरूम है। और अभी प्राइस रेंज जो है वो कितने से शुरू हो रही है? अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 लाख रुपीज। 18 लाख रुपीज जी, क्या मिल जाएगा? 18 लाख में आपको Q3 मिल जाएगी, एंड उससे ऊपर अगर आप धीरे धीरे जाते हैं तो मर्सिडीज CLA का ऑप्शन आता है, फिर X1 का ऑप्शन आता है, मतलब और काफी ऑप्शन ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं जो कि है www.autobest.co.in, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर जाना, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबका ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।